इफ एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए बी एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू रूट थ्री इज टू रूट टू देन एंगल ए इज गिवन बाय हियर ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए बी therefore 2b is equal to a plus c ठीक है ये रिलेशन हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये AP में दे रखे हैं ABC एंगल्स तो क्या होगा 2b is equal to a plus c होगा और ABC अगर एंगल्स हैं तो a plus b plus c कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा we also know that right so 2b क्या है आपका a plus c है तो a और c की जगह हम क्या लिख सकते हैं a plus c की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2b लिख सकते हैं therefore 3b is equal to 180 degree so b is equal to 60 degree आ गया आपके पास okay the value of b is 60 degree अब ये एक ट्रायंगल दे रखा है a b c ये आपको दे रखा है तो इसके सामने वाली साइड्स क्या हो जाएगी a हो जाएगी b के सामने वाली स्मॉल b हो जाएगी c के सामने स्मॉल c हो जाएगी ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द साइन रूल क्या होता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c राइट सो इस दोनों रिलेशन से हम क्या देख सकते हैं साइन c is equal to c upon b sin b ठीक है तो sin c is equal to b is to c आपको दे रखा है root 3 by root 2 तो ये हो जाएगा root 2 by root 3 क्योंकि यहाँ पर c upon b है और sin b आपका कितना आ रहा है 60 degree आ रहा है ठीक है ना तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया sin 60 लिख दिया sin 60 की वैल्यू होती है root 3 by 2 therefore sin c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ये इससे रूट टू बार कट जाएगा ये हो जाएगा 1 बाय रूट टू यानी कि साइन 45 डिग्री इससे हमको क्या पता चल गया कि सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45 डिग्री होनी चाहिए राइट सो देयरफॉर सच दैट सी इज इक्वल टू 45 डिग्री अब आपको बी पता है 60 डिग्री था ठीक है आपको सी पता है 45 डिग्री है सो हम ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देयरफॉर ए आपके पास आपको निकालना है और बी और सी की वैल्यू आपको पता है ठीक है ना 60 डिग्री और 45 डिग्री तो यहां से क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द टू लार्जर साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एबी देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ये हो गया आपका ए बी एंड सी ए साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है बी आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है टू लार्जर साइड इसको हमने थीटा मान लिया और इसको हम सी को हम मान लेंगे एक्स हमने कंसीडर कर लिया ठीक है तो ये तो हो गया ट्रायंगल का काम अब यहाँ फ्रॉम दिस फिगर एंगल ए is greater than angle B is greater than angle C right और यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये triangles जो है AB में है so angle C आप क्या consider कर लो theta minus D D आपका क्या हो गया common difference हो गया angle B आपने theta consider करा है और angle A आपका क्या हो जाएगा theta plus D फिर हम क्या जानते हैं ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है इन ट्राइंगल ABC राइट सो यहां पर ये तीनों वैल्यू पुट कर देंगे हम सो थीटा प्लस D θ
थीटा प्लस थीटा माइनस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ गई, राइट। ट्राइंगल एबीसी की हम बात करेंगे तो ट्राइंगल एबीसी में कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, वो होगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, राइट। थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है 60 डिग्री, जो अभी हमने कैलकुलेट करी है वो हम लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारी थी 10, ठीक है, सी हमारा था एक्स और बी हमारा था 9, ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 9 स्क्वायर, 2 ए की वैल्यू 10 एंड उसके बाद आता है सी, सी की वैल्यू हो गई आपकी एक्स, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 81 अपॉन 20 एक्स, राइट। तो इस 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 19, राइट। सो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, श्रीधराचार्य के रूल से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 19 है अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 2, ठीक है, और यहाँ आ गया 100 माइनस आपका क्या बन जाएगा 19 into 4 जो है वो बन जाएगा 76, राइट। सो अब ये आ गया आपके पास x is equal to 10 plus minus under root 24 upon 2, therefore x is equal to यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप इसको 2 root 6 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या होता है 24 को क्या लिख सकते हैं 6 into 4, तो 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के बाहर आने के बाद 4 2 बन जाएगा, तो यानी कि 2√6 हम इसको लिख सकते हैं। अब 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 5 प्लस माइनस रूट 6 जो है आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राइट, 5 प्लस माइनस रूट 6 ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इफ 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन एबी विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 50 टाइम इट्स 50th टर्म देन द 150th टर्म ऑफ एन एबी इज, सो सबसे पहले t100 आप देख लो, t100 क्या होगा a प्लस 99d, T50 क्या होगा A प्लस 49D और T150 क्या होगा A प्लस 149 इंटू D, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 टर्म्स ऑफ द 100 टाइम्स ऑफ द 100 टर्म, यानी कि 100 इंटू T100 वो किसके इक्वल है विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50 टाइम ऑफ 50th टर्म, यानी कि 50 इंटू T50 के इक्वल हो गया, तो ये 2 टाइम्स कट गया तो 2 और यहाँ क्या लिख सकता हूँ T100 की जगह A प्लस 99D और यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस 49D, राइट। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा A प्लस 149D इज इक्वल टू 0, यानी कि T150 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
If minus 5 k and minus 1 are in AP, then what is the value of k? We know that if ABC are in AP, then 2b is equal to a plus c. So therefore, 2k is equal to minus 5 minus 1. So k is equal to minus 6 by 2, that is equal to minus 3. So k is equal to minus 3. Option number D is correct.